और ये है यहाँ के कुछ सबसे खतरनाक झूले, कमज़ोर दिल वाले भूल के भी ना जाएं। और यहाँ पे मिलता हुआ हर एक सामान थोक के भाव आधे रेट पर मात्र 50 रुपये से शुरू होकर। यहाँ जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, कहीं ऐसा ना हो कि डिटेल रह जाए और आपके हाथ से ये मौका जाता रहे। हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपको हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपने पिछली वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया और आपके प्यार के लिए बहुत ही बहुत थैंक यू। और आपको बता दूं कि हम एक नई जगह पे आ गए हैं जिसे कवर करेंगे आज हम, और ये लखनऊ शहर में लगने वाला लखनऊ महोत्सव है। आपने बहुत से मेलों को देखा होगा और मेलों में से सबसे बड़ा मेला, या आप यूँ कह लें कि लखनऊ में लगने वाला सबसे बड़ा मेला है ये लखनऊ महोत्सव। तो आगे की वीडियो में हम पूरी डिटेल आपको देंगे कि इस यहाँ पे क्या रेट्स हैं, कैसे सामान मिलता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, और आप जब भी आएँ तो यहाँ कैसे आएँ, क्या समय है, सारी चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। टिकट लेने के लिए यहाँ पर 2 टिकट काउंटर हैं, 40 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है यहाँ पे। और टिकट लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और ये जो खूबसूरत दरवाज़ा आप देख रहे होंगे, एंट्री पॉइंट जो है, ये कुछ कुछ पुराने ज़माने की तरह बना हुआ, जैसे अपने लखनऊ में रूमी गेट है उस तरह से ये बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो 20 रुपीज़ आपको 2-व्हीलर की पार्किंग का चार्ज देना पड़ता है, और 30 रुपीज़ आपको 4-व्हीलर की पार्किंग का चार्ज देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, ये शॉपिंग का बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, या बहुत ही बड़ी जगह है जहाँ पर आपको हर तरह की शॉपिंग मिल जाती है। और एंट्री पॉइंट पर ही हमें एक फायर पान वाले भैया मिलते हैं जिसे हम ट्राई करके आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, शॉपिंग की बहुत सी वैरायटी है, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। और कपड़ों की भी बात करूँ तो यहाँ पर बहुत तरह के कपड़े मिल जाते हैं, मेनली यहाँ पे लड़कियों के प्रोडक्ट ज़्यादा हैं और एज़ कम्पेयर टू मेल्स। आगे बढ़ते हैं और शॉपिंग की बहुत सारी दुकानों को देखते हुए हम आगे जाते हैं, और यह हमें बचपन के खेलने की चीज़ मिलती है जिसे आप रात में पानी में भिगोते हैं और सुबह वो बड़ी बड़ी बॉल्स उगाते हैं। आगे बढ़ के हम विंटर सेक्शन को देखते हैं जहाँ पर हमें ब्लैंकेट्स मिलते हैं। ब्लैंकेट्स के रेट भी बहुत ही अफोर्डेबल हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। कपड़ों की बहुत सी दुकानें हैं, बहुत से आउटलेट हैं, आप आराम से नेगोशिएट कर सकते हैं, चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एक अच्छे बजट में। अब अगर आपसे बात करूँ, यहाँ पे हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं शॉपिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पे होम डेकोर का भी बहुत सारा सामान मिलता है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हर साल फंक्शन भी होते हैं, कई सारे सिंगर्स आते हैं, तो हम गए थे तो काफ़ी लेट नहीं पहुँचे थे, इसलिए यहाँ पे इस तरह का डांस हो रहा था, ज़्यादा क्राउड भी नहीं था। बहुत क्राउड होता है जब आपको खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती है। आगे बढ़ के कुछ फूड काउंटर हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। अब जैसे मैंने आपको बताया, डेकोरेटिव सामान तो यहाँ पे भरमार है, डेकोरेटिव सामान यहाँ पे हर जगह पे बहुत सारा है, आप बहुत ही अच्छे से ले सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। और कारपेट्स आप देख रहे होंगे, कारपेट्स के बहुत सारे वेंडर यहाँ पे हैं, अलग अलग तरह की वैराइटीज़ हैं यहाँ पे, आप बहुत ही तरह की कारपेट्स को यहाँ ले सकते हैं एक अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में। ये एक खूबसूरत सी वेइंग मशीन है, यहाँ पे आप अपना वेट चेक कर सकते थे, बहुत ही यूनिक सा लग रहा था इसलिए हमने कैप्चर किया। आगे बढ़ के कुछ और खूबसूरत डेकर का सामान हम देखते हैं, और ये बहुत ही यूनिक चीज़ें मुझे दिखी थी। और यहाँ पे एक नेचुरल फाउंटेन, पहले आर्टिफिशियली फाउंटेन है, एकदम नेचुरल लगता है ये, और ये बहुत ही अच्छे प्राइस में, अराउंड 10,000 के आसपास का इसका प्राइस था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पे आइडियल्स खरीद सकते हैं, मूर्तियाँ खरीद सकते हैं, और बहुत सारे डेकोरेटिव सामान जो आप अपने घरों को सजाने के लिए ले सकते हैं। अगर किचन की प्रोडक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कई सारे यूटेंसिल्स और कप्स मिल जाते हैं, इनके प्राइस भी बहुत ही आकर्षक हैं, जैसे 50 रुपीज़ से हर एक मग स्टार्ट होता है और आगे बढ़ता है। ये जो आप मग टाइप का या सजाने के लिए लैम्प टाइप का देख रहे हैं, ये लैम्प प्लस एसेंस के लिए यूज़ होता है, इसमें आप ऊपर लिक्विड फ्रेग्रेंस डालते हैं और ये आपके कमरे में एज अ रूम फ्रेशनर वर्क करता है। यहाँ पर कैमल राइड्स भी हैं, तो यहाँ पे आप अगर आते हैं तो आप बच्चों को या अपने बड़े लोग भी कैमल राइड कर सकते हैं एक अच्छे प्राइस में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये पेस्ट्री की दुकान दिखती है, शायद आपने बचपन में इसे खाया होगा, अब नहीं दिखती हैं, इनके भी प्राइस बहुत ही अच्छे थे। हमारे मतलब की जगह हम पहुँचते हैं, जैसे कि हमारे लिए ज़्यादातर हम कंटेंट क्रिएट करते हैं तो ये सारे जो इलेक्ट्रिकल सामान है ये हमें जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, बट आप यहाँ से मैं रिकमेंड करूँगा इलेक्ट्रिकल सामान ना लें। बच्चों के बहुत से खिलौने एक अच्छे प्राइस से स्टार्ट होते हैं, 15 रुपीज़ से लेके और आगे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रहते हैं। कई सारे ऐसे काउंटर हैं जहाँ पे 15 रुपीज़ में बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमें ये अचार का पॉइंट या अचार का काउंटर बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि सबसे अमेजिंग बात, कॉमन अचार तो यहाँ पे थे बट कुछ ऐसे अचार भी थे जो आप नॉर्मल डेज में या नॉर्मल शॉप पे नहीं मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे छोले का भी अचार था। आगे बढ़ के ये रिंग वाला बहुत जगह पे आपने देखा होगा, ये बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छे यहाँ पे गिफ्ट नहीं है बट फिर भी
₹50 में 10 रिंग ये दे रहे थे और हमने एक बार इसे भी ट्राई किया और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। कुछ छोटे छोटे से गिफ्ट ये प्रोवाइड कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है हम लोग को भी, हमारी एज के लोगों को भी, साथ ही बच्चों को भी। ये एक अम्यूजमेंट पार्क जैसा है, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े झूले हैं और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे चकाचौंध जिस समय पे मैं गया था काफ़ी लेट हो चुका था, बट फिर भी यहाँ पे अच्छी खासा क्राउड था, अच्छा खासा भीड़ था और लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे कुछ डेडली टाइप के भी झूले हैं, जैसे बड़े झूले जिनमें आप बैठ के लोग चिल्ला रहे थे और कि बचाओ बचाओ। साथ ही ये बच्चों के लिए बोटिंग भी है जो कि ₹50 से स्टार्ट होती है। हर एक झूले का यहाँ पे प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट ₹100 के नियर बाय रेंज करता है। ये सब बहुत ही डेडली झूला था, हमने इसे ट्राई किया और बहुत हम लोग भी डर रहे थे, बट इसको करने के बाद हम लोग थक गए थे और हमें भूख लग रही थी। आगे बढ़ते हैं कुछ और बच्चों के झूलों को देखते हुए हम, और ये बहुत ही सब सस्ते झूले थे। क्योंकि हमारे साथ कोई बच्चा नहीं था इसलिए हमने इन सबको ट्राई नहीं किया, बट अगर आपके पास है तो आप ज़रूर से आएँ और यहाँ इन्जॉय करें। थोड़ा आगे बढ़ के हम फूडिंग का काउंटर देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे फूड की हैं, बट फिर भी हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ये पिज्ज़ा पॉइंट, क्योंकि ये हैंड टोस्ट फ्रेस पिज़्ज़ा बनाते हैं और वो भी आपके सामने ही बना रहे होते हैं बहुत ही अच्छे तरह से, सफाई से, और एक बहुत ही यूनिक प्राइस में दे रहे थे। प्राइस का बोर्ड इनका ₹100 का है, बट 80 से इनकी स्टार्टिंग थी। सब चीज़ों को करने के बाद, खाने के बाद, थोड़ा शॉपिंग करने के बाद हम यहाँ से अलविदा लेते हैं। एक बार आखिरी बार इस महोत्सव के नज़ारों को लेते हुए हम यहाँ से चल देते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।